नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिजनौर में बुधवार डीआरजी मुरादाबाद सलभ माथुर, डीएम उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने नूरपुर की नवनिर्मित चौकी गौरज धाम का लोकार्पण किया। इस दौरान बिजनौर प्रशासन में चौकी को दुल्हन की तरह सजाया गया। बाद में डीआईजी ने जिलाधिकारी व एसपी बिजनौर से समीक्षा बैठक की तथा आगामी त्योहारों को लेकर शासन से जारी निर्देश से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, डीआईजी मुरादाबाद सलभ माथुर आज बिजनौर पहुंचे और डीआईजी मुरादाबाद में बिजनौर पहुंचकर नूरपुर के झंडा चौक पर स्थित नवनिर्मित पुलिस चौकी गौरज धाम का लोकार्पण किया। डीआईजी ने बताया कि इस चौकी क्षेत्र में लगभग 40,000 से ज्यादा आबादी है। अपराध पर नियंत्रण व जन समस्या को लेकर चौकी स्थापित की गई है ताकि आम जनमानस को पुलिस का सहयोग मिलता रहे। इस दौरान डीआईजी ने बातचीत करते हुए बताया कि आगामी त्यौहार के मद्देनजर बिजनौर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है व पुलिस की आपराधिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर है। बाद में डीआईजी ने एसपी बिजनौर धर्मवीर सिंह व जिलाधिकारी से समीक्षा बैठक की और जनपद बिजनौर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया तथा जनपद में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। गोरखनाथ धाम चौकी का उद्घाटन किया है, क्या पूरा मामला? ये थाना नूरपुर पड़ता है, जनपद बिजनौर में जहाँ इस चौकी की स्थापना की। पूर्व में ये हल्का हुआ करता था, इसके अंदर लगभग 40,000 की आबादी चौकी के अंदर कवर होती है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौक है। एक रास्ता जो है मुरादाबाद की तरफ से यहाँ आता है, एक रास्ता जो है अमरोहा की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है कानपुर जनपद बिजनौर की तरफ से आता है। तो ये उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। झंडा बिहार के नाम से जैसे आगामी त्यौहार है, ईद उल अज़हा है, कावड़ है, सुरक्षा के मद्देनजर बात करने वाले क्या रिएक्शन है? जी, निरंतर रूप से इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी गवर्नर द्वारा भी इस संदर्भ में ब्रीफिंग की गई है। शासन मुख्यालय के जितने भी निर्देश हैं उनका पालन कराया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भी जो है संसद में विजिट किया जाएगा और जो पूरी तैयारियाँ उसको समीक्षा की जाएगी। कल मंडलीय समीक्षा की हुई थी, कमिश्नर साहब और मेरे द्वारा पूरे मंडल के जिलाधिकारी और पुलिस प्रधानों की मीटिंग ली गई थी, उनसे फीडबैक लिया गया था, उनको आज तक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज यहाँ का भी विजिट किया गया है। काफ़ी जोर भी है। सर, उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, तो इसमें यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने, तो इसमें सर इसमें क्या तालमेल कैसे बन पाएगा फिर? सर जी, यही कोऑर्डिनेशन मतलब जैसी चीज़ें होंगी, अभी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगे चीज़ें निकल के आती हैं उस हिसाब से हम लोग तैयारी की जाए। ठीक, थैंक यू।